कुज्जू पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। झारखंड से बिहार ले जा रहे लाखों रुपए का शराब और एक पिकअप वैन को जब्त किया गया है। चालक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुप्त सूचना के बिहाव पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र के नया मोड़ स्थित SDPO किशोर रजक ने टीम गठित कर शराब से लदी एक पिकअप वैन को जब्त किया, साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया। लाखों का यह शराब झारखंड के धनबाद जिले से बिहार ले जाया जा रहा था। इसे जिला प्रशासन ने पकड़ लिया और चालक की निशानदेही पर शराब तस्कर के मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल हमें गुप्त सूचना मिली कि एक पिकअप वैन में जो पाइप से बाहर से लदा हुआ था, उसमें भारी मात्रा में धनबाद से बिहार की तरफ अवैध मात्रा में दारू जा रहा है। तो तत्काल उस सूचना के उपरांत ओपी प्रभारी कुज्जू अवधेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से त्वरित काम करते हुए चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी में लगभग 166 पेटी जो विदेशी शराब मिल पाई गई है, जो लगभग 1500 से अधिक बोतल है और लगभग इसकी कीमत अनुमानित जो है 5 लाख के करीब है। और उसमें उस गाड़ी के जो चालक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके जो मुख्य जो व्यापारी है, बताया जा रहा है कि ये कोई विजय मंडल धनबाद का है और यही शराब सिंडिकेट का माफिया है। और उसके उपरांत हम लोगों ने जो जब्त शराब है रॉयल स्टेज लगभग 8 कार्टून कुल मिला के 192 बोतल, इम्पीरियल ब्लू 20 कार्टून लगभग 480 बोतल, MC वोयल नंबर 1 लग्जरी 20 कार्टून लगभग 480 बोतल और बुलेरो पिकअप वैन को हमने जब्त किया है। और आगे हम लोग थाना में केस दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ये सर शराब जो है ये क्या ओरिजिनल थी या कहीं लोकल मेड का बनाकर इन लोग डुप्लीकेट शराब का रैकेट चला रहा था क्या? इसका भी जाँच के उपरांत ही पता चलेगा। इसकी जाँच के लिए हम लोग सैंपल अभी FSL में और उत्पाद विभाग को भेजेंगे, उसके उपरांत ही बता पाएंगे। गाड़ी भी फर्जी है, लेकिन गाड़ी फर्जी है और इस तरह आमतौर पर इस तरह की शराब फर्जी भी होती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।